गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 5,40,000 एवं राजगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के 1,46,000 की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना लोकसभा से 5,40,939 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो वहीं राजगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर ने 1,46,000 मतों से जीत हासिल कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मात दी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को भाजपा ने पटखनी दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास बनाया है, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय भाजपा कार्यालय हार्ट रोड पर बैंड बाजों की धुन पर भाजपा कार्यकर्ता नाच उठे, बाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। जिला अध्यक्ष सिकरवार ने गुना बमोरी राधोगढ़ एवं चाचोड़ा विधानसभा कार्यकर्ता और मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर आभार जताया। आज हमारे जो भाई नेता है, उनकी ऐतिहासिक जीत होना सबके लिए बहुत मोदी जी को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिला गुना पर सभी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कल हमारे कल का जो दिन था गुना जिले के लिए मतलब आजादी के बाद स्वर्णिम दिन, जो इतिहास गुना जिले के बनाया हम सबके सामने है। हम इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने निरंतर दौरे किए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन के महामंत्री नित्यानंद शर्मा जी, जिन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ता खड़े किए, बूथ समिति ग्यारह की समिति बूथ तक हमारा संगठन को मजबूत किया और हमेशा कार्यकर्ता को चिंता करें। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि तीसरी बार 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। और गुना जिले के कार्यकर्ताओं ने चाचौड़ा विधानसभा और रावड़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने राजा की विदाई करी और वहाँ हमारे रोडमन नागर जी की ताजपोशी करी। और गुना विधानसभा के कार्यकर्ताओं को तो मैं आज़ादी के बाद से इतनी प्रचंड जीत आज तक पहले कभी नहीं हुई है और उन्होंने 87,000 का जो रिकॉर्ड बनाया है हम सबके सामने है, ये स्वर्णिम दिन है। और उधर राजा की विदाई करके उधर महाराजा की ताजपोशी करी वो भी ऐतिहासिक मतों से। बमोरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात एक मेहनत करके उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वहाँ भी आज़ादी की बात के बाद आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड 76,000 से अधिक मतों से महाराज साहब ज्योतिराव सिंधिया जी को विजयी बनाया। दोनों प्रत्याशी में रोडमन नागर जी और हमारे महाराज साहब ज्योतिराव सिंधिया जी को दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और जिले के सभी कार्यकर्ताओं का ऋणी रहूँगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत, धूप नहीं देखी, परिवार नहीं देखा, रात दिन पार्टी की चिंता करी और रात दिन एक करके रात दिन पार्टी के लिए काम किया और ये इतिहास रचा। और ये इतिहास हम सबके लिए गौरव की बात है क्योंकि हम सबके लिए मान सम्मान की बात है। तो गुना विधानसभा में और बमोरी विधानसभा में इतिहास रचा है, सभी कार्यकर्ताओं को मैं ऋणी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी मैं आभार करता हूँ, उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराया और कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड मतदान का परसेंट जो बढ़ाया, कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ और मीडिया को भी बहुत बधाई देता हूँ, जिले की मीडिया को जो हमेशा उनका हमेशा सहयोग रहा है और आगे भी रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुना से रणधीर चंदेल की यह रिपोर्ट।